दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी इलाके में एक फ्लैट से पुलिस को मां बेटे का शव मिला है। पुलिस को आशंका है दोनों की लूटपाट के बाद हत्या की गई है। दोनों की हत्या चाकू गोद कर की गई है। मृतकों में एक की पहचान लक्की के रूप में हुई है। महिला की उम्र जो है 55 साल बताई जा रही है। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार 2 महीने पहले ही पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में रहने आया था। शनिवार रात पुलिस को मकान से जो है दुर्गंध आने की सूचना मिली थी और पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो बाहर के कमरे में लकी का शव पड़ा हुआ मिला। वहीं अंदर महिला का शव बिस्तर पर था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इनके साथ एक लड़की भी रहती थी जो घटना के बाद से गायब है और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।